तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अभी रात हो रही है, बिल्कुल घनी रात, बिल्कुल रात हो रही है और रात के टाइम हो रहे हैं अभी 2:32, मतलब रात के 2:30 बज रहे हैं। और पहले अभी लेट नाइट स्टडी कर रहा था मैं, 1:30 बजे तक करते मैं स्टडी किया, कहते जो भी स्कूल में होमवर्क मिल रहा था उसको याद किया। और उसके अलावा फिर मैंने अपने यहाँ पे इंग्लिश का एक प्रोजेक्ट बना लिया। मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, प्लीज़ सॉरी। अब वो सर का जिम्मा है, वो सर कैसे उसको झेलेंगे। सो वेल, अभी फ़िलहाल मैं सोने जाता हूँ क्योंकि कल तो ट्रेनिंग पे जाना है नहीं। तो ट्रेनिंग पे नहीं जाना है तो उसका ये मतलब नहीं है कि फिर सुबह लेट उठना है, क्योंकि अपना स्कूल लग रहा है 7:30 तक पहुँचना है, तो 6:30 बजे तो उठना ही पड़ता है। सो या अभी फ़िलहाल चलते हैं, सोते हैं। सो गुड नाइट गाइस। सो गाइस, मैं फाइनली अभी सो के उठ चुका हूँ। और वेल, स्कूल जाना था बट मैं रात को इतना ज़्यादा लेट, मतलब मैं सोते सोते 4 ही बज गया। और 4 बजे सो के फिर मेरे को नहीं लगता था कि मैं स्कूल जा पाता, तो बस सो ही रह गया। मम्मी भी आई तो मम्मी से बोले, मम्मी मैं होमवर्क किया हूँ, रात भर पढ़ा हूँ, मैं नहीं जा सकता स्कूल, तो सो फिर मैं रुक गया। ये मेरा बिस्तर बिल्कुल फैला हुआ बिखरा हुआ, ये मेरा टेबल भी बिल्कुल फैला बिखरा। गाइस, मैं ऊपर बालकनी में खड़ा था, मैं वहाँ दादा को देखा, दादा को सीटी मारे कचड़ा वाले, पता नहीं कहाँ चले गए वो, देखो। उसके अलावा कैरी ये धूप में नहीं आएगी, बस छाँव में रहेगी और लोगों को देखेगी। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे मेरा टेबल भी सेट हो चुका है, सो अभी चलते हैं नीचे। सो लेट्स गो। सो गाइस, झाड़ू मैन इज हियर। और देखो क्या है, आज अपनी बाई नहीं आई जिस वजह से आज झाड़ू मेरे को करना पड़ा। वेल, मैं आज पूरा घर का अच्छे से झाड़ू कर चुका हूँ, मैं सारी गंदगी निकाल दिया। और पता है वहाँ का वो जो गेट है ना उधर का, मैं सारा गंदगी उधर निकाला, जैसे ही गेट खोला पूरा गंदगी इतना तेज़ हवा चला कि पूरी गंदगी उस रूम के अंदर भर गई। वापस उस रूम में एकदम अच्छे से कोने कोने में घुसा घुसा के झाड़ू करना पड़ा। सुबह अब नानी के यहाँ चलते हैं, नानी के यहाँ लिट्टी बनी है, मेरे को लिट्टी बहुत पसंद है तो लिट्टी खाने चलते हैं। मासी के हस्बैंड भी आए, मेरी मासी की भी नई नई मैरिज हुई है तो इनके हस्बैंड भी आए हैं, तो फिर चलिए मिलते हैं मौसा जी से। सो लेट्स गो गाइस। फिलहाल मैं अभी नानी के यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरा निकला है लिट्टी सांभर। और वहाँ मामा मस्त होके भी उठे हैं तुरंत। ये मेरी नानी, ये मेरी मामी। हाँ अच्छा। और ये मेरे नाना जी। और हे यार, वी हैव अ न्यू मौसा जी। और मासी बेचारी कपड़े डालते भाई। सो यार अपना लिट्टी खत्म, इडली खत्म करते हैं, लेट्स कंटिन्यू आवर व्लॉग। आउच आउच आउच, दब गया था उंगली। इस फिलहाल मैं खाने तो बैठ गया हूँ पर मेरी ये वाली उंगली अभी गेट पे दब गई थी। सो वेल, उंगली तो मेरी भी ठीक है और खाना भी कहते हैं काफ़ी यम्मी है, मेरी आगे चटनी। सो या लेट्स कंटिन्यू व्लॉग। सो गाइस, फाइनली मैं अनन्या को ले चुका हूँ स्कूल आने, अनन्या को स्कूल लेने आ गया था क्योंकि आज स्कूल मैं नहीं आया तो अनन्या को छुट्टी हो गया। और अभी देवे बड़ी वाली बिल्डिंग में, वो छोटी बिल्डिंग से अनन्या को छुट्टी हो गई है। और ये रहा मेरा क्लास। और अभी मेरे को लग रहा है सूर्यांश दिख जाएगा, सो सूर्यांश चीनू ब्लॉग। सो या लेट्स कंटिन्यू व्लॉग। यस यस मोटू, तू आ गया मेरे वीडियो में। अभी अपने स्कूल में टाइल्स का भी काम लग गया, क्या बात है। और वो रहा अपने स्कूल का ग्राउंड जहाँ पे लोग अभी गेम्स मना रहे हैं वहाँ पे। तो यार अभी अपन फिलहाल घर चलते, सो लेट्स कंटिन्यू आवर व्लॉग। दिस इज़ माय स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल बिलखामपुर। और वहाँ पे गाड़ी खड़ी है तो चलते हैं, लेट्स गो। गाइस, अनन्या फिलहाल घर पहुँच चुकी है, जा अनन्या दौड़ते जा गले मिलने के लिए। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, मतलब ये लड़की। हाँ, जिसमें किंडर जॉय की दीवानी, किंडर जॉय की। गाइस, मैं और अनन्या अभी बाहर खड़े थे, बाहर मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और अनन्या कुछ बता रही थी। क्या हुआ अनन्या स्कूल में? 3 दिन खड़ा होना पड़ गया आज, इसको 3 दिन पीरियड खड़ा होना पड़ गया। बताओ क्यों? फिर दोबारा से पापा का आने का वेट करना पड़ गया।
कहते देखो आज इसको दो तीन बार खड़ा होना पड़ गया क्योंकि मामी इसको कहते कॉपी देना भूल गई, ये एक होमवर्क नहीं किया, एक बार पापा कहते मेरे पापा तो इसका आए नहीं तो मैं लेने गया था तो मेरे को देख के ना बाहर खड़ी रह गई थी, फिर कहते हैं सबसे लास्ट में निकली है बिल्डिंग से। सो या अभी फिलहाल घर चलते, सो लेट्स कंटिन्यू आवर व्लॉग। तू कैमरे पे हाथ मार, फोन ध्यान से, हाँ फोन। तो गाइस फाइनली अभी सब अपन जा रहे हैं ढाबा और गाड़ी के अंदर सब पैक हो चुके हैं, छोटे मौसा जी सब पैक कर दिया। ये सब अभी गाड़ी के अंदर, तो चलते हैं ढाबा। सो लेट्स कंटिन्यू आवर व्लॉग। सो गाइस फाइनली अभी अपन ढाबा आ चुके हैं अपने, और अपने ढाबा आने के बाद कोल्ड ड्रिंक, चिकन रोस्ट और फैमिली। सो अपना वैसे खाना वाना कि अपना कहते चिकन रोस्ट वगैरह खाते हो, मैं खाना खा लिया था इसलिए मैं चिकन रोस्ट खा रहा हूँ, तो बटर चिकन भी खाता हूँ। और सॉरी फॉर वेजिटेरियंस, मेरे को पता है आप लोगों को सुनना अच्छा लगता है, तो अभी चिकन खाते हैं। लेट्स कंटिन्यू आवर व्लॉग। सो गाइस अभी आप सोच रहे हो एकदम से अपन यहाँ कैसे आ चुके हैं अंबिकापुर में। सो वेल कहते देखो अभी अपन आए थे पूल, और पूल आने के बाद मैं और बाला खा रहे हैं शॉर्मा, उसके अलावा बाकी सूर्यांश और क्या नाम है नीरज खा रहे डोसा वोसा। तो फिलहाल ये बुलेट वालों को चलान ठीक होता है, इतना लाउड कर सकते हैं। सो वेल मैं और कहते बाला खाते अपना, उसके अलावा नीरज सूर्यांश खा रहे हैं, और सीधा घर चलते हैं। एयर ड्रॉप से मैं अपना ले लूँगा ये सारा डेटा। और वेल अभी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ आईफोन 11 से, मेरा एक्स है स्विच ऑफ हो चुका है। सो घर चल के एयर ड्रॉप करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू आवर ब्लॉग। सो गाइस फाइनली अभी अंबिकापुर से वापस आ गया था, अपना फ़ोन चार्ज किया घर से तुरंत आया हूँ जिम, ये मेरा जिम बैग, और उसके अलावा फिलहाल चलते हैं जिम, अपना एक्सरसाइज करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू आवर ब्लॉग। और नानी नाना का एनिवर्सरी भी है, सो या लेट्स कंटिन्यू आवर ब्लॉग। तो फाइनली गाइस अभी अपना कंप्लीट हो चुका है ट्रेनिंग, तो वेल अभी घर चलते हैं। सो लेट्स गो, अभी नानी नाना के एनिवर्सरी का पार्टी भी सेलिब्रेट कर रहा है, तो जल्दी चलते हैं। लेट्स गो, तो जा रहे हैं अभी भाई, चल बाय ब्रो। हाँ, सो दे आर माय जिम फ्रेंड्स, सो लेट्स गो, लेट्स गेट इन योर व्लॉग। सो गाइस फाइनली अभी घर में आके रेडी हो चुके हैं, और ये रही मेरी पूरी फैमिली, नानू मासी सब लोग, हाय हेलो, मौसा जी, कोई नहीं सुना कोई पीछे तो देखो, हाय हेलो हेलो, ये अनन्या है जो सबको परेशान कर रही है सबको परेशान कर रही है। और वेल ये रही सजावट, मेरे नाना की एनिवर्सरी बड़ी हो गई हो ना, नॉइस, हाय हेलो एवरीबॉडी, हाय, और नानी का एनिवर्सरी, नानी हैप्पी एनिवर्सरी एनिवर्सरी। और गाइज जैसे कि मेरे जो लोकल फ्रेंड्स और फैमिली वाले, मतलब कि फैमिली वाले को तो पता ही ऑलमोस्ट, जो लोकल फ्रेंड्स देखते हैं उनको मैं बता दूँ, जो ये पंचवटी है ना, ये वाला पंचवटी ढाबा, वो टोल गेट के जस्ट बाद वाला, वो टोल गेट रहा जस्ट बाद वाला, ये ढाबा अपना ही है, ठीक है। और उसके अलावा कहते हैं पहले अपना ढाबा उधर था, उधर से शिफ्ट करके अभी इधर आ गया अपना ढाबा, ठीक है। और उसके अलावा जो कहते हैं बस स्टैंड है ना यहाँ का, कहते हैं अपने बिश्रामपुर का, उसके ऊपर जो रेस्टोरेंट है वो भी अपना है, उसके अलावा जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड शॉप है वो भी अपनी है, और जो राजपूत फिटनेस जिम है वो भी अपना है, ठीक है। सो मतलब एज अ प्रमोशन, फ्री प्रमोशन अपने वीडियो है। और देवे यो ब्रो, सो एक मिनट देवे देवे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये ये, अब ऐसे ये बिशम, दैट्स माय बॉय। अंदर चलते हैं, मैं अपने ढाबा में एक चीज़ मेरे को बहुत पसंद है, कच्चा पनीर खाना, तो कच्चा पनीर खाते हैं। सो लेट्स गो। तो कैसे हैं आप सब लोग? और अभी फिलहाल गाइस ये इतना डिनर हो चुका है, कैरी मिनाटी डायलॉग कॉपी नहीं मरवाते, आर यू फैन ऑफ कैरी मिनाटी? नहीं नहीं भाई, मैं कभी उसकी वीडियो नहीं देखा आज तक, नहीं देखा। अच्छा, एक भी वीडियो नहीं देखा, ओनली फॉर कैमरा? नहीं एक्चुअल में नहीं देखा, कभी नहीं देखा, जब फेमस हो गया तब पता। बट देन आल्सो आई एम वन ऑफ हिज फैन, बट राइट नाउ उनके जो नए वीडियो है मेरे को अभी उतने खास पसंद नहीं है, बट देन आल्सो अभी फिलहाल अपनी में व्यस्त है, अभी डिनर हो गया अच्छा खासा। और ये मेरा ब्रावो, ये ब्रो सर पैसो खुश, बाय, इसके साथ बहुत ज़्यादा खेल चुका इसलिए भी फोन भी है। फिलहाल केक कटिंग करवाते हैं, सो लेट्स कंटिन्यू व्लॉग। क्या आ गया, नॉनवेज नहीं
क्या क्या परसेंटेज आया था आपका? मेरा ठीक था, ठीक था, एवरेज था, एवरेज था, वो समझ गए। लेकिन एवरेज स्टूडेंट को बहुत मिलता है। डाउन विद द लाइन 10 साल नहीं, यू आर रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मिलता एवरेज स्टूडेंट को भाई। कोई बात नहीं, हम है ना, हम भाव लेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर व्लॉग। हैप्पी एनिवर्सरी। अरे लेट हो गया, लेट नहीं हुआ, मैं कैमरा खोली में इतना फास्ट हूँ, क्या बताऊँ। हैप्पी एनिवर्सरी बोल रहे समी साहब को खिलाइए, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। यहाँ पे भी एडिटिंग होगी। अच्छा खिला दिए क्या? कुछ नहीं लगा मुझे, नहीं पूछे। कोई खिला दो, हम लोग भी। अरे एक बार बता लो। सो गाइस फाइनली दैट्स इट, अभी सब लोग वापस घर जा रहे हैं। सो मौसा जी के साथ मिलके भी ब्लॉग एंड करेंगे। मासी आप भी आ जाइए। सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक माय ब्लॉग। इफ यू लाइक माय ब्लॉग डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मैं मिलता हूं आप सब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। मौसा जी ऑफ, कैमरा क्लोज, ठीक है।